टॉप 5 बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज इन 2024। दोस्तों, अगर आपको 30,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कर्व डिस्प्ले के साथ आता हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि मैंने 30,000 के बजट में आने वाले ढेरों सारे स्मार्टफोन में से 5 ही सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले तो बढ़िया मिलेगा ही, इसके अलावा भी कैमरा, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का है। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 30,000 के बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए और आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, लिस्ट में पहला बेस्ट स्मार्टफोन आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो रेनो 11 5G। अगर आपको 30,000 के बजट में कोई लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए या फिर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। काफी बढ़िया फोन है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है और 800 निट्स का ब्राइटनेस है। रिफ्रेश रेट, ब्राइटनेस वगैरह ठीक है एंड कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। मतलब डिस्प्ले इस फोन का बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जो की टेलीफोटो कैमरा है और सेल्फी कैमरा वो भी 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिलेगा और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। भाई कैमरा इस फोन का सही मिलेगा, कैमरा बढ़िया है। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 nm पर बना हुआ है और लगभग 5.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर को डिसेंट सा कह सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67 W का चार्जर को। लगभग 45 मिनट में ये चार्जर आपके फोन को 100% चार्ज करके दे देगा और 5000 mAh का बैटरी है तो बैकअप तो मिलेगा ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे, तो इसमें 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 2 TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा इसमें। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन कलर OS 14 के साथ आता है जो की Android 14 पर बेस्ड है। चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरियंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 29,999 रुपया यानी कि 30,000 रुपया है और 30,000 के बजट में कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में दूसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V27 5G। अगर आपको 30,000 के बजट में वीवो की तरफ से आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए या फिर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन पे ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। तो गाइस, इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज कट ऑफ सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस है एंड HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। भाई डिस्प्ले इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा एंड स्मूथनेस, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ एकदम तगड़ा लेवल का है। अब कैमरा की बात करेंगे, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा, 1.9 का अपर्चर भी है। अच्छी बात यह है कि आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। भाई कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस फोन के कैमरा से कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका सेल्फी कैमरा काफी तगड़ा लेवल का हो, तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर, अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 4 nm पर बना हुआ है और 6 लाख प्लस अंतुतु स्कोर भी है। स्कोर ठीक है एंड प्रोसेसर पावरफुल मिल जाएगा। बैटरी की बात करेंगे, तो इसमें 4600 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 66 W का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे, तो इसमें 8 GB का रैम एंड 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इस फोन का बिल्ड क्वालिटी वगैरह का। तो ये फोन ग्लास बॉडी के साथ आता है, 180 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.4 mm का थिकनेस है। काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, नहीं एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले
डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। तो चलिए ये फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस इस फोन का बेस वेरिएंट फिलहाल के टाइम पे आपको 30 से 31,000 तक में आराम से मिल जाएगा। और ध्यान रहे कि इस फोन का प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है। कुछ टाइम पहले ये फोन 30,000 के अंडर में ही मिल रहा था, बट अभी के टाइम पे इस फोन का प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस चीज को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस लिस्ट में अब आता है आईक्यू की तरफ से आईक्यू G7 Pro 5G। इसके जगह पे आप चाहे तो वीवो T2 Pro 5G को भी ले सकते हैं। दोनों फोन सेम टू सेम फोन है, सेम प्राइस में मिलेगा एंड सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। अगर आपको 25,000 के आसपास में कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो भाई इस फोन का बैक साइड जो है ना वो ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 7.4 का थिकनेस है एंड 175 ग्राम इस फोन का वेट है। थिन एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वाइज दिखने में ये फोन काफी बढ़िया लगता है। इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, ना ही एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा। ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज करते हैं तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो और अच्छी बात है ये। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड ज्यादा कैमरा नहीं मिलेगा, दो ही कैमरा है। मेन कैमरा 64 megapixel का है, सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 megapixel का है और सेल्फी कैमरा वो 16 megapixel का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.8 का अपर्चर है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर और 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है, बाकी बात कैमरा इस बजट के हिसाब से बढ़िया है। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 4nm पर बना हुआ है। भाई प्रोसेसर इस फोन का पावरफुल मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इसमें 4600mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 66 वाट का चार्जर को और बताया जाता है कि 20 से 22 मिनट में आपके फोन को 0 से 50% चार्ज करके दे देगा। तो काफी तेजी से चार्ज करके दे देगा ये आपके फोन को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का टॉप वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 24,999 रुपया यानी कि 25,000 रुपया है। इस फोन का बेस वेरिएंट भी आता है 8128 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 24,000 रुपया है। तो 25,000 के बजट में कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो लिस्ट में अब आता है मोटो की तरफ से मोटरोला एज 40। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कर्व डिस्प्ले के साथ आता हो तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस कैमरा वगैरह काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो बैक साइड इस फोन का लेदर का बना हुआ है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है। 171 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.58 mm का थिकनेस है। थिन एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा, मतलब सबका अपना अपना पसंद होता है इसीलिए डिजाइन वगैरह को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी कि वाटर प्रूफ फोन है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे, नहीं 3.5 mm वाला जैक मिलेगा। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। इसमें 2 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा यानी कि एंड्रॉइड 14 एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिल जाएगा। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 inch का फुल HD प्लस कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 144 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 360 Hz का टच सैंपलिंग रेट है, 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। रिफ्रेश रेट ब्राइटनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का है और कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो और अच्छी बात है ये। खैर कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 megapixel का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 megapixel का है। और बात करेंगे सेल्फी कैमरा का तो वो 32 megapixel का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.4 का अपर्चर है। इस फोन के सभी कैमरा से आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर और पीछे का कैमरा से 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर एंड 60 fps पर। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें
में MediaTek Dimensity 8020 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6nm पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। नो डाउट प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4400mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 68W का चार्जर को। चार्जर ठीक है, आपके फोन को तेजी से चार्ज करके दे देगा। और रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 26,999 रुपया है, यानी कि 27,000 रुपया है। तो गाइस 30,000 के अंडर में आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट का आखिरी फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी फोन आता है Realme की तरफ से, Realme 11 Pro Plus 5G। 30,000 के अंडर में कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है। अगर आपका बजट 22-23,000 के आसपास में है तो इसके जगह पे आप Realme 11 Pro 5G को भी ले सकते हैं। कर्व डिस्प्ले तो इसमें मिलेगा ही, इसके अलावा भी सभी फीचर्स काफी लाजवाब का है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। स्मूथनेस की बात करेंगे तो इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 950 nits का पीक ब्राइटनेस है एंड HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 200MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है एंड सेल्फी कैमरा वो 32MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, 1.7 का अपर्चर भी है और सेल्फी कैमरा में सोनी MX615 वाला सेंसर लगा हुआ है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। अगर आपको अच्छा डिस्प्ले के साथ साथ कैमरा भी बढ़िया चाहिए तो इस चीज के लिए ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7050 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6nm पर बना हुआ है और लगभग 5.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। स्कोर सही है, प्रोसेसर इस बजट के हिसाब से ठीक ही है, खराब नहीं कह सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 100W का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 183g वेट के साथ आता है एंड 8.2mm का थिकनेस है। थिन एंड लाइट वेट सब फोन है और डिजाइन वाइज दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है ये फोन। बैक साइड जो राउंड टाइप का कैमरा है काफी सारे लोगों को पसंद भी आता है, काफी सारे लोगों को पसंद नहीं भी आता है। तो डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, सबका अपना अपना चॉइस होता है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, नहीं एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन कलर OS V13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 28,000 रुपया है और 12256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 30,000 रुपया है। तो कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला 30,000 के अंडर में ये भी एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। या अगर आपका बजट 25,000 के अंडर में है तो इसके जगह पे आप Realme 11 Pro 5G को भी ले सकते हैं, वो फोन भी कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। खैर इस वीडियो में मैंने 30,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन को बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।